चल ले प्लीज चल ले यार चल ले, इतनी देर लगा के रखी हुई है रबीका काशिफ खान ने यार, और सब बोलते हैं कि मैं लेट कर आता हूँ। इतना प्यारा लग रहा हो यार। सिर्फ इसलिए मैं नहीं बनाता। प्यारे लग रहे हैं यार, निकलना जाए। और ये गाड़ी, अगर हम इसमें एडजस्ट हों, क्योंकि मैंने कहा है कि हमें सिर्फ इसी में एडजस्ट होना है किसी भी तरह, तो कोई मज़ेदार सफ़र हो जाएगा। मतलब ये आज तक किसी ने नहीं किया, मतलब अभी सिविक छोड़ के अगर कोई इसमें जाए, और वो भी 12-13 बंदे। और ये देख सकते हैं पूरा हुजूम अगर इसमें बैठे, बहुत मुश्किल है यार। नहीं नहीं, छोटों को तो पीछे आप भेजो ही नहीं ना, छोटे तो हैं ही आगे। और अगर वो यहाँ बैठ जाएंगे तो आंटी रबीका और वो इधर बैठ जाएंगे। यहाँ पे कुर्सी नहीं लग सकती, यहाँ मैं और तुम अगर नीचे बैठे हैं, कोई वो चादर भी नहीं है। बहुत एडजस्टेबल सीन है कि हम किस तरह एडजस्ट करेंगे। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, अब डिस्कशन फजूल है। डिस्कशन फजूल है, चले चले अपनी गाड़ी में। और सीन कुछ ऐसा है कि मैं इतनी सारी चीज़ें नहीं बना सकता, तो वहीं मिलते हैं हम लोग। यहाँ पे ना अनाड़ी ड्राइवर बहुत आए होते हैं, जो ले तो आते हैं उनसे वापस गाड़ी जा ही नहीं जाती नीचे। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं मुनाल के भाई शुनाल में, और ये हमारे पास आता हुआ इस्लामाबाद का बेहतरीन व्यू। आय हाय हाय, यहाँ पे हम खड़े होंगे लेकिन सर्दी इतनी है कि समझ नहीं आ रहा। रबीका, इतनी प्यारी लग रही है आप। really? या क्योंकि मैं इतना प्यारा लग रहा हूँ ना। तो आप लोग बोल रहे थे कि हम लोग ट्रेनिंग नहीं करते, तो देखिए हम लोग फाइनली फाइनली हम लोगों ने ट्रेनिंग कर ली है। क्या हो गया आपकी सर्दी लग रही है? थैंक गॉड मुझे नहीं लग रही, नजर मत लगा दीजिएगा। अल्लाह का शुक्र आप नहीं लगती ऐसे, मैं दोस्त है अच्छे से। ये तो होगा, ये देख रही है। ग्लिटर बहुत लगाया हुआ होता है ना। लॉल, सर्दी लग रही है आपको? या है ना, लेट्स गो इनसाइड हनी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? चलो नौ मेरा भाई हमारे साथ यहीं पे आ गए हैं। सर्दी स्माइल, लेट हो गए काफी भाई यार, बस बहुत। मैंने कहा मेरे इतना के बिजी हो गए हैं। सर्विस पे है ना, फ्लैश देख रहे हो क्या? चाहिए महीर, ब्लॉग स्टार्ट है? नहीं अभी चल रहा है। बहुत सर्दी लग गई, ग्लव्स एकदम पहन लिए हैं, मेरा कैमरा बिल्कुल शेक हो रहा है। तस्वीर में क्या होगा फिर? और ये छोटा सा मैंने सेटअप लगाया है रबीका काशिफ खान के लिए यहाँ पर भी। तो आप लोगों को नहीं पता? नहीं ना, ये मैंने मेरे आते ही अगर लाइट्स खुल रही है और बंद हो रही है तो मतलब यही है ना। ये सब का प्लान था, मैं खुल जाऊं क्यों बेइज्जती करवा रहे हो? या हम सब का प्लान है। लाइट्स, थैंक यू सो मच माय गाइस, माय गाइस। हां हां, चले हुसैन अभी हम करवा ले, हुसैन करवा ले अपने नीचे खाना। सर्दी में मेरा डांस निकल रहा है, क्यों ये पश्तो डांस है बोल रहे हैं? मुझे सर्दी नहीं लग रही, मैं थोड़ी देर अंदर। Oh, my God.
किचन में क्या ले भाई कैसे वो लगा हुआ मेरा सेटअप ये जो है ना आगे बेहतरीन माहौल है अगर वहाँ पे मजा आएगा वो क्या गया है बता नहीं सब यहीं पे फोकस्ड है कुछ तो हुआ है मुझे कि सब यहीं पे फोकस्ड है कहाँ पे है तो बहन मेन्यू आ चुका है और सब डिसाइड कर रहे हैं ऑर्डर डिसाइड हो रहा है तो फिर आपको बताएं ऑर्डर रफीक आशिक खान ने दिया लॉब इट्स टाइम फॉर द पिक्चर्स क्योंकि पिक्चर्स हमारी जरूरी होती है और चार्जिंग जा रही है तो मैं इस वाइब को एंजॉय करूंगा और बजायर इसके कि मैं टेंशन लूं हम आ चुके हैं यहाँ पे शूट पे और ये है नीचे बहुत सर्दी है यार इधर बहुत सर्दी है अब यकीन करें मेरा तो गोप्रो ऑफ हो चुका है लेकिन यहाँ से देखें मेरे चैनल से देखें एक ही बात है मेरे लिए तो कौन सीने यार क्या व्यू है यार इस व्यू में ये लड़की मेरे साथ है जी शाहरुख खान जो है वो लाइटों से ना पूरा अनुष्का शर्मा की तस्वीर बना दे तो आप भी तस्वीर बनाए अच्छा ऐसे कर सकते हैं हाँ क्या करने लगे हो आपने रबने बनाने जोड़ी देखी है हाँ शाहरुख खान एंड में पूरी अनुष्का की पिक्चर बनी हुई है यस हाँ जी ऐसी पिक्चर बना के देखी सैन जब भी बनाए चले 1 2 3 गो बन रही है हाँ हाँ बन रही है मुझे भी नजर आ रही है बन गई बन गई मिट गई अब यार सॉरी आप लोगों ने बना लोगों को दिखा रही थी बन गई थी तस्वीर ओहो लेट हो गए वो लोड शेडिंग वो पाकिस्तान में मसला हुआ है ना उसकी वजह से आधी लाइटें बंद हो गई वीडियो बना के आ रही तो नो सर आप फरमाए मतलब थैंक यू माय फैंस थैंक यू माय फ्रेंड यहां तो देख ले यहां एक मिनट आसमान दिखा दे एक मिनट आसमान तो दिखा दे वीडियो चल रही है बिग फैन फोकस चेक कर रही है हमें स्पॉटलाइट मिल रही है हमें लेकिन मुझे क्रेडिट मिल चुका है हाँ, वो देखिए नाम लिखा हुआ है कहाँ देख रही है अरेबिक तो बेली वाला है Happy verification day! So finally हम लोग जा रहे हैं घर बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और सब लाइटें बंद हो चुकी हैं बहुत प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से अभी ऐसा लग रहा है भूत आने वाला है भूत तो आने वाला है क्योंकि भूत बंगले वाला माहौल हो गया है पूरी रात है और रात में तो सिर्फ तो चले यार घर चले बहुत ज्यादा सर्दी है यकीन करें कसम से यही खड़े हो जाएंगे ऐसे टूर पे क्या हाल होगा टूर पे पता नहीं क्या हाल होगा लेट्स गो